इंग्लिश बोलना कैसे सीखे, ये सवाल आपके भी मन में रहता है। पर यदि आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देख लेते हैं तो आपको इस सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। जी गाइस, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश सीखने के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, यदि आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो अभी से ही और आज से ही आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टच ऑफ नॉलेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइस, आपको करना क्या है, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको स्टार्टिंग शॉर्ट सेंटेंसेस से करना है। जी हां, आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको लॉन्ग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग से ही आप लॉन्ग सेंटेंसेस बोलना नहीं सीख सकते और आपको ऐसा करना भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको शॉर्ट सेंटेंसेस को बोलना स्टार्ट करना है। अब शॉर्ट सेंटेंसेस को आपको कैसे बोलना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर एक एग्जांपल को देखिए, यहां पर लिखा हुआ है यहां आओ, तो यहां आओ इसमें आपको करना क्या है, देखिए आओ की इंग्लिश क्या होती है कम, और इसके बाद यहां की इंग्लिश क्या होती है हेयर, तो ओवरऑल इसका मतलब होगा कम हेयर। यदि आपको यह कहना हो कि यहां आओ तो इंग्लिश में आप कहेंगे कम हेयर, ठीक है। अगर आपको यह कहना है कि वहां जाओ, तो जाओ मतलब क्या होता है गो, और वहां की इंग्लिश क्या होती है देयर, तो वहां जाओ को आप इंग्लिश में कहेंगे गो देयर। तो ओवरऑल करना क्या है आपको कि सबसे पहले आपको वर्ब का यूज करना है। वर्ब क्या होती है, क्रिया, ये सभी आपको पता होगा, मतलब आना जाना, खेलना पढ़ना, उठना बैठना, ये सब वर्ब होती है जो आपको आती है। जी हाँ, तो वर्ब जिसके लास्ट में ना आता, जैसे आना जाना, खेलना पढ़ना, उठना बैठना, सीखना, रोना, हंसना, गाना, तो ये सारी वर्ब्स हैं। तो आपको करना क्या है, आपके स्टार्टिंग में वर्ब का ही यूज करना है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद आपको अदर वर्ड का यूज करना है, उन वर्ड का यूज करना है जो कि आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है। जी हाँ, वर्ब आपको बाद में मिलेगी, उस वर्ब को आपको स्टार्टिंग में लिखना है। जैसे कि यहां आओ को देखे, तो हमने आओ की इंग्लिश पहले लिखी कम, और यहां की इंग्लिश लिख ली हमने हेयर। हमने कहा वहां जाओ, तो पहले जाओ, तो जाओ की इंग्लिश हम लिखेंगे गो, और वहां को हम बोलेंगे देयर। एक एग्जांपल और देखिए, अगर हम ये कहें ये करो या फिर इससे करो, ये करो, तो करो मतलब क्या होता है डू, और ये की इंग्लिश क्या होती है दिस, तो आप इसको लिखेंगे डू दिस, डू दिस। तो बस वेरी सिंपल है, आपको सिर्फ पहले वर्ब यूज करना है, उसके बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल करना है, अदर वर्ड का यूज करना है। होता क्या है, देखिए हिंदी में यहां पर पहले अन्य वर्ड आएंगे, मतलब कि अदर वर्ड आएंगे, और उसके बाद आपकी वर्ब आएगी। और देखिए इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट का यूज नहीं करना होता है, क्योंकि आप जो सेंटेंस यहां पर बोल रहे होते हैं वो या तो ऑर्डर होता है, या एडवाइस होती है, या फिर कोई ना कोई रिक्वेस्ट होती है, मतलब कि आप कोई ऑर्डर दे रहे हैं। दोस्तों मुझे पता है आप सब परेशान हो, CBSE ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए, मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12th और क्लास 10th दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पर एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा, और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो, और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। दे रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं, या फिर किसी को एडवाइस, मतलब कि किसी को सलाह दे रहे हैं, या फिर किसी से अनुरोध कर रहे हैं, मतलब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तभी इसी तरह के सेंटेंसेस को बोला जाता है। और जिससे ये सेंटेंसेस आप बोलते हैं वो जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने ही होता है, तो सब्जेक्ट आपका हिडन होता है, मतलब आपको यू कहने की जरूरत नहीं है, मतलब कि तुम यहां आओ तो यू कम हेयर कहने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर डायरेक्टली कहेंगे कम हेयर। क्या कहेंगे, कम हेयर। तो गाइस, यदि आपको ये कहना हो कि मत करो, मतलब कि आपके सेंटेंस में मत आ जाए, जैसे कि ये है मत करो, तो आपको करना क्या है, इस मत की इंग्लिश आपको यूज करना है डोंट, उसके बाद आपको वही रिपीट कर देना है डू दिस, डोंट डू दिस, तो मतलब स्टार्टिंग में आपका डोंट आ जाएगा। क्या हम बोलते हैं ना, ये मत करो, वो मत करो, यहां मत आओ, वहां मत जाओ, हंसो मत, खेलो मत, लड़ो मत, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको डोंट का यूज करना है, इसके बाद आपको वर्ब फर्स्ट यूज करना है, देन आपको अन्य शब्दों का यूज करना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल इसके भी देख लो, आपको ये कहना है कि यहां मत आओ, तो क्या कहोगे भाई, डोंट कम हेयर, डोंट कम हेयर, वहां मत जाओ तो पहले लगा दीजिए डोंट, मतलब मत की इंग्लिश होगी डोंट, और गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, लड़ो मत, डोंट फाइट, हंसो मत, तो कैसे बोलोगी, डोंट लाफ, डोंट लाफ। तो चलिए मैं आपको इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बताने वाला हूँ, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से सुनते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजारों सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे इसी वीडियो के जरिए से, इसी वीडियो के माध्यम से आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो बस आपको ध्यान से सुनना है, लिसन केयरफुली, मैं टू टाइम सेंटेंस को रिपीट करूंगा, उसके बाद उस सेंटेंस को आपको बोलना है, मेरे साथ में आपको प्रैक्टिस करते जाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे पकड़ो, होल्ड इट, होल्ड इट, इसे मुझे दे दो, इसे मुझे दे दो, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी,
छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, लेट इट बी, लेट इट बी। मुझे कल याद दिलाना, मुझे कल याद दिलाना, रिमाइंड मी टुमारो, रिमाइंड मी टुमारो। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। एक तरफ हट जाओ, मूव असाइड, मूव असाइड। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, डोंट वरी, डोंट वरी। देर मत करो, देर मत करो, डोंट डिले, डोंट डिले। बकवास मत करो, बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। तो गाइस जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, अभी और भी एग्जांपल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आप लाइक का बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए कंटिन्यू रहते हैं। धीरे बोलिए, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। बस रोको, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। जल्दी आना, जल्दी आना, कम सून, कम सून। मुझ पर मत हंसो, मुझ पर मत हंसो। तो जब आपको ये कहना हो कि मुझ पर मत हंसो, डोंट लॉफ एट मी, डोंट लॉफ एट मी। तो रिमेंबर इट दैट लॉफ के साथ एट का यूज़ किया जाता है, किसी पर भी हंसने वाली बात अगर की जाए तो आपको लॉफ के साथ एट लगा देना है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि मुझ पर मत हंसो, डोंट लॉफ एट मी। अगर कहा जाए कि दूसरों पर मत हंसो तो डोंट लॉफ एट अदर्स, और अगर ये कहा जाए कि उस पर मत हंसो, डोंट लॉफ एट हिम, ओके। तो इस तरीके से आपको लॉफ के साथ एट का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसे परेशान मत करो, उसे परेशान मत करो, डोंट बॉदर हिम, डोंट बॉदर हिम। बीच में मत बोलो, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट। नल खोल दो, टर्न द टैप ऑन, टर्न द टैप ऑन। नल बंद कर दो, टर्न द टैप ऑफ, टर्न द टैप ऑफ। इसे बाहर फेंक दो, इसे बाहर फेंक दो, थ्रो इट आउट, थ्रो इट आउट। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, गेट रेडी। या हम इसको बी रेडी भी कह सकते हैं। जे गाइस जब आपको ये कहना हो कि तैयार हो जाओ, तो आप गेट रेडी या बी रेडी दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसे मत चिढ़ाओ, उसे मत चिढ़ाओ, डोंट टीस हिम, डोंट टीस हिम। गुस्सा मत करो, डोंट लूज योर टेंपर, डोंट लूज योर टेंपर। समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो गाइज इस तरह के सेंटेंसेज की आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत ही आसान तरीके से सेंटेंसेज बन जाएंगे। तो करना क्या है गाइज, आपको सिर्फ वर्ब का यूज़ करना है, और वर्ब तो इतनी तो आपको आती ही होंगी। तो हमारी डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेज बहुत ही ज़्यादा बोले जाते हैं, जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी को हम एडवाइस देते हैं। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेज में आपको वर्ब का यूज़ करना है, इसके बाद आपको अदर वर्ड्स का यूज़ करना है, जो अन्य शब्द है उनका यूज़ करना है, लेकिन पहले आपको वी वन लगा देना है, ठीक है। जितने भी मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, इनकी तो प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, इसके अलावा आपको और भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना है। कैसे, जैसे अगर आपका है दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर, खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो, खिड़की बंद कर दो, क्लोज द विंडो। तो इस तरह से सारे सेंटेंसेज जो है इनकी आप प्रैक्टिस करिए, स्टार्टिंग में आप यही शॉर्ट सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करिए, इसके बाद आपको लॉन्ग सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करना है। मतलब कि स्टार्टिंग में आपको पहले लॉन्ग सेंटेंसेज की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पहले छोटे छोटे सेंटेंसेज बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो पहले आपको शुरुआत इजी से करना है, उसके बाद हम यहां से लॉन्ग सेंटेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो आई एक्सपेक्ट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।